खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया पहुंचे बिहार कैबिनेट मंत्री अश्विनी चौबे ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव के 4 जून के दिन फिल्म देखने वाले बयान पर कहा कि मैं भृगु ऋषि की धरती से कह रहा हूं कि इसको पंडित का श्राप नहीं समझना, मैं परशुराम के वंशज हूं, मैं क्रमकाणी ब्राह्मण हूं। जो 4 जून को फिल्म दिखाने की बात कर रहे हैं तो 4 जून को इनका नामो निशान धरती से मिट जाएगा, तो फिल्म कौन दिखाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इंडी गठबंधन ठगों की पार्टी है, ऊपर से पप्पू, दिल्ली में पप्पू, यूपी में सप्पू, बिहार में गप्पू, बंगाल में लप्पू और दिल्ली में जेल से छूटने वाला ठप्पू, ये पांचों मिलकर एक साथ प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का क्या होगा, और ये सब मिलकर देश को चलाएंगे। देश को वही चला सकता है जो समृद्ध भारत स्वतंत्र भारत को वही चलाएगा जो नरेंद्र मोदी है। ये चांदी के चम्मच से चटनी चाटने वाले इनको क्या दर्द होगा। कि एक थी भाजपा, क्या था, एक थी भाजपा, एक थी भाजपा, एक थी भाजपा, भाजपा, भाजपा। देखो मैं आज भृगु ऋषि की धरती से कह रहा हूं, इसको पंडित का सांप मत समझना, मैं सांप नहीं देता हूं, मैं परशुराम का वंश का हूं, मैं ऋषि परंपरा को बहुत ही मानने वाला वेद उपनिषद और मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूं। सुन लो कान खोल करके, ये नकली लोग जो फिल्म दिखाने का कर रहे हैं, इनका नाम और निशान इस धरती से 4 तारीख को मिट जाएगा तो फिल्म कौन दिखाएगा। मैंने कहा है कि एक युवराज है, ये इंडी ठगबंधन, ये ठगों की पार्टी है, ऊपर में पप्पू, ऊपर में दिल्ली में पप्पू, अब उत्तर प्रदेश में सप्पू, बिहार में गप्पू, अब बंगाल में लप्पू और दिल्ली में जेल से छूटने जेल से आने वाला ये ठप्पू, ये पप्पू, गप्पू, सप्पू, लप्पू और ढप्पू, ये पांचों मिलकर एक एक साल प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश का क्या होगा। ये पप्पू, गप्पू, सप्पू, लप्पू, ढप्पू, ये देश को चलाएगा, आप बताइए। देश को एक ही वही चला सकता है जो समृद्ध भारत, सशक्त भारत, जिसने 2047 का भारत विकसित भारत बनाएगा, जनता ने जो जनता दिया है, और वो लाल गरीब का कोख से पैदा हुआ बेटा नरेंद्र मोदी है। आज पिछड़े से, अति पिछड़े से ये दूर भाग रहे, आज गरीब का बेटा है तो आज ये लोग चांदी के चम्मच से चटनी चाटने वाले, इनको क्या दर्द होगा। गरीब का, गरीब का दर्द इनको मालूम नहीं है, और इसलिए ये नरेंद्र मोदी का मोदी 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 देश जा रहा है, दुनिया जा रहे, और ये मोदी को धुतकार है, श्री राम को धुतकार है, सनातन धर्मावलंबियों को धुतकार है। तो मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई एक ही पक्ष पर है, जहां हमारा विकास का मुद्दा है वही सनातन संस्कृति का मुद्दा है। भारतीय संस्कृति यह सनातन काल से चला आता रहा है, तो हम सनातन के लिए बनने वाले लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी 12 करोड़ की सबसे बड़ी पार्टी, पहले राष्ट्र इधर न हो इधर राष्ट्र आए स्वाहा, हमारे लिए पहले राष्ट्र है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ आदमी को तुझको अभी कुछ और दे, तुझको अभी कुछ और दे, इसके लिए नरेंद्र मोदी का नाम है, और इनके लिए मोदी जी के लिए पहले राष्ट्र है फिर दल है। यूपी साफ न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।